व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ राजकमल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडोब प्रीमियर प्रो में थ्री लेयर्स वीडियो कैसे बनाते हैं, जो कि आप इंस्टाग्राम पे भी ट्रेंडिंग में देखते होगे कभी, या फिर देखे होगे, पता नहीं, मतलब जो भी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वही वीडियो कैसे प्रीमियर प्रो से बनाते हैं। तो चलो चलते हैं प्रीमियर प्रो पे। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि अभी तो कोरोना में लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल के कारण। तो चलो, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है और मैं भी सोच रहा हूँ कि चलो एक बनाता हूँ, कुछ नई चीज़ मैं भी बना लेता हूँ। तो न्यू प्रोजेक्ट, ओके, न्यू प्रोजेक्ट हम कर लेंगे, ये सारे ठीक ही हैं। चलो यस कर लेता हूँ यहाँ से। फिर मैं यहाँ पर इम्पोर्ट मीडिया, इसमें मैं अपने मीडिया को इंपोर्ट करूंगा जिसे थ्री लेयर में हमें बांटना है। तो मैं पहले इस वीडियो को ले लेता हूं, फिर मैं इसे ले लेता हूं और एक ये वाला। मेरे तीनों वीडियो यहां पे इंपोर्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों वीडियो यहां पे इंपोर्ट हो चुके हैं, तो सबसे पहले आपको जाना है फाइल में। फाइल में जाने के बाद क्लिक करें और न्यू में जाकर एक नया सीक्वेंस चूज करें। फिर आप सेटिंग में चले जाएं, ये सीक्वेंस प्रीसेट्स, यहाँ सेटिंग। सेटिंग में जाने के बाद आप चले जाएं DSLR पे, DSLR पे चले जाएं और यहाँ पे कर दें, वहाँ पे आप कर दें 1080p इंटू 9020, जो कि इंस्टाग्राम रील्स का साइज़ है 9020। ये हो गया, मैक्सिमम बीट कर देते हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, एक ये देखिए बन गया, जो इंस्टाग्राम पे जितना साइज़ होता है, मतलब रील्स का जितना साइज़ होता है, ये हो गया। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ नया, फिर से यहाँ पे नया सीक्वेंस ले लेता हूँ, इसका भी सेटिंग में चला जाता हूँ और इसे कर देता हूँ मैं DSLR पे, इसे DSLR पे कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ 1080 और 450 मैं इसे करूँगा, क्योंकि 450 मैं कर देता हूँ क्योंकि इसे हाफ रखना है, मतलब जैसे आप देखोगे आगे पता चल जाएगा आपको, आगे देखोगे तो मैं ये ले लिया। फिर एक और ले लेता हूँ, ये पहला हुआ मुझे मेरा, तो एक और ले लेता हूँ, इसे भी मैं कर लेता हूँ, इसे मैं कर लेता हूँ DSLR पे और इसका भी मैं कर देता हूँ 1080 और 450 ना 450। ये देखो हो गया, इसे मैक्सिमम कर देता हूँ, ओके, ये भी बन गया। एक और ले लेता हूँ लास्ट, क्योंकि थ्री लेयर होंगे तो लास्ट वाला मैं तीसरा लेयर ले लेता हूँ यहाँ से, 1080 से भी कर देता हूँ 1080 और 450। चलो इसे मैक्सिमम बीट कर देता हूँ, मैक्सिमम बीट डेप्थ, ओके, तीनों हो गए। देख लो, और जैसे मैं इसे और ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, इसे करते हैं तीनों, 1 2 3, ये मेरा हो गया जो जिस पे मैं सारे वीडियो पर रखूँगा। तो यहाँ पे देखो, ये पहला सीक्वेंस हुआ, जो कि ये है जो साइज़ है रील्स का साइज़, जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग पे चलता है उसका साइज़ ये रहा। सीक्वेंस टू का ये हुआ जिस पे मैं वीडियो डालूँगा, सीक्वेंस थ्री, सीक्वेंस फोर। सीक्वेंस टू पे मैं पहले वीडियो डालता हूँ, इसी वीडियो को मैं ले लेता हूँ, चलो मानते हैं मैं इसे ले लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, और इसे मैं कट कर देता हूँ क्योंकि ऑडियो कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब मैं इसका ड्यूरेशन जो है, मैं टाइम को थोड़ा स्लो करता हूँ, क्योंकि मैंने गिम्बल यूज़ नहीं किया वीडियो में, थोड़ा अगर आप स्लो करोगे वीडियो तो ज़्यादा हिलेगा नहीं, मतलब स्टेबल रहेगा। ये हो गया, और मैं इसके साइज़ को थोड़ा स्केल कर देता हूँ, देखो स्केल इसमें आ जाओ, मतलब अगर आप नहीं आ पाते हो तो कंट्रोल, क्या बोलते हैं, सॉरी कंट्रोल नहीं, इफेक्ट पैनल, मतलब इफेक्ट कंट्रोल में आप आ जाओ, यहाँ से ऊपर से आ जाओगे इफेक्ट कंट्रोल में। इफेक्ट कंट्रोल में आने के बाद आप क्या करो कि इसका साइज़ मुझे यहाँ कटा हुआ लग रहा है, तो मैं करूँगा स्केल में जाऊँगा, स्केल में क्लिक करने के बाद मैं इसे स्केल में थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। चलो ये सही है, तो ये हो गया, एक वीडियो मैंने तैयार कर ली और अब दूसरे वीडियो को मैं लेकर आता हूँ वहीं पे, मतलब दूसरे तीसरे सीक्वेंस में यहाँ पे। तो तीसरा मतलब दूसरा वीडियो यहाँ पे आ गया,
मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इस ऑडियो का कोई काम नहीं है, तो इसका वो ड्यूरेशन है जो उसे काम कर देता है। तो चलो इसकी ड्यूरेशन इसका भी 50 कर देता हूँ, 50। ओके ये भी हो गया स्लो। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, अगर इसको इस वीडियो का भी साइज अगर आप कम करना चाहें तो इसमें जाओ आप स्केल करो, स्केल से थोड़ा आप डाउन कर दो, इतना मत करना क्योंकि आपके फ्रेम को बराबर रहना चाहिए। चलो ठीक है, इतना ठीक है। अब इस ये दोनों हो गया, वन टू और थ्री सीक्वेंस हो गया। अब लास्ट सीक्वेंस जो बचा है इसे मैं कर देता हूँ, कौन सी वीडियो थी यहाँ पे, ये वाली वीडियो थी कीप एग्जिस्ट, और इधर से ले उसके इधर लेकर आया था। और ये ऑडियो का कोई काम नहीं है तो इसे कट कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ, मतलब जूमिंग कर लेता हूँ टाइमलाइन को, टाइमलाइन को मैंने जूमिंग कर लिया। इसके भी टाइम को ड्यूरेशन को थोड़ा 50 कर देता हूँ, 50। यस 50 हो गया, ग्रेट। तो ये तीनों वीडियो आ गए, क्या बोलते हैं, सीक्वेंस टू, सीक्वेंस थ्री, सीक्वेंस फोर पे। मैं इसे इसका भी स्केल कर लेता हूँ, यहाँ देखो इफेक्ट कंट्रोल में जाओ और स्केल कर लो, इसको थोड़ा कम कर लो क्योंकि ये भी ज़्यादा जूम लग रहा है। तो मैं इसे स्केल कर लेता हूँ, थोड़ा ये कर लेता हूँ, फिर इसके पोजीशन को थोड़ा कम कर लेता हूँ। पोजीशन यहाँ देखो, पोजीशन यहाँ पे है, पोजीशन से थोड़ा सा कम कर लो इसको, चलो ले लेते हैं नीचे क्योंकि ऊपर थोड़ा फ्रेम दिखाना है। तो मैं इसे थोड़ा डाउन कर देता हूँ पोजीशन को, इतना नहीं क्योंकि फ्रेम दिखना चाहिए, फ्रेम कट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ये तीनों हो गए। अब मैं चल लेता हूँ मतलब सीक्वेंस वन पे, जिस पे इन तीनों वीडियो को रखना है मुझे। तो हमें कौन से सीक्वेंस को लेनी होगी, पहले सीक्वेंस टू को यहाँ पे रखते हैं इस जगह पे, सीक्वेंस वन पे, यहाँ पे, यहाँ पे हम सीक्वेंस। और ये ऑडियो का कोई काम नहीं है तो मैं इसे कट कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे देखो आपका दिखने लगा उसी टाइप का, मतलब पूरा नहीं अभी बना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फ्रेम हुआ, इसके बीच में ये दिखने लगा, ये दिख रहा। तो चलो अब फिर से हम एडिटिंग के चलते हैं, अरे ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे हाँ चलो ठीक है, तो फिर इस वीडियो को भी यहाँ पे ला के रखेंगे, मेरा इसे इसके ऑडियो को भी कट कर दो और इसे क्लिक करो क्योंकि ये जो वीडियो है इसके नीचे आ गया है। इसे इस वीडियो पे क्लिक करो और इसके भी पोजीशन को चेंज करो। पोजीशन को चेंज करने के लिए आप इसको बढ़ा दो, यहाँ से कीबोर्ड से भी आप कर सकते हो। देखो पोजीशन को चेंज करने से ये जो ऊपर में पोजीशन था उसके ऊपर आ गया था, तो वो नीचे आ जाएगा वीडियो। तो ये देखो नीचे आ रहा है, आते जा रहा है। ऐसे ही करके हम पोजीशन को सेट करके मतलब एक वीडियो बना सकते हैं। तो पोजीशन को यहाँ पे हमने ला कर रख दिया। थोड़ा मुझे लगता है यहाँ पे जूम करना चाहिए, तो मैं स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा और थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा ये फ्रेम को ये ना करे। तो मान लो इतना कर लेते हैं और फिर नीचे चला जाता हूँ थोड़ा सा और, नीचे थोड़ा सा और चला जाता हूँ मैं यहाँ हाँ यहाँ पे चला गया। स्केल थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये वीडियो छोटी नहीं होनी चाहिए फ्रेम से। तो हाँ चलो हो गया। तो मैं इस वीडियो को भी मैं करता हूँ, तो इस वीडियो के लिए इस पे है अभी क्लिक, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अभी इस पे क्लिक करने के बाद इसका भी स्केल मैं फिक्स करता हूँ क्योंकि ये भी ज़्यादा छोटी लग रही है वीडियो। तो ये मैं मिला दिया इतना छुट्टी के लिए सही है। तो ये दो हो गए यहाँ पे। अब मैं तीसरी वीडियो को उठाता हूँ, ये वीडियो को मैं यहाँ पे लेकर जाता हूँ टाइमलाइन पे इसे। तो चलो इसे यहाँ पे लेते हैं, इसके ऑडियो कट कर देते हैं क्योंकि ऑडियो का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये वीडियो रहा मेरा, ये भी देखो आपको दिख रहा होगा कि इसके नीचे आ गया, मतलब इसके ऊपर आ गया है। तो इसे भी मैं इफेक्ट कंट्रोल से ऊपर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर चलो इसे देखता हूँ मैं, पहले इसके साइज़ को मैं कर लेता हूँ फिक्स। अब मैं इसे पोजीशन इसके पोजीशन को चेंज करूँगा। तो मैं चेंज कर लेता हूँ पोजीशन को, ऊपर ले कर जाता हूँ पोजीशन को, देखता हूँ। ये देखो अब आप देखोगे कि ये वीडियो बनने लगी है थोड़ी थोड़ी। तो ये देखते हैं होता है कि हो गया। तो आप देखो यहाँ पे परफेक्ट, ये देखो परफेक्ट तीनों लेयर जो बन गए हैं। ये इंस्टाग्राम पे आपने कभी देखा हो कोई मूवी का आइडिया कुछ भी आता है इस टाइप का, तो देखो ये तीनों चल रही है।
और यहाँ पे टैग आप कर सकते हो, मतलब टैग कुछ भी लगाने की वीडियो अगर चाहते हो, कुछ भी ब्रांडिंग करना है तो कलर ग्रेडिंग मैंने अभी की है, रॉ फोटेज है, कलर क्या बोलते हैं कलर ग्रेडिंग करने के लिए या कलर कोरेशन करने के लिए दूसरे वीडियो में मैं बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मैं उस वीडियो को भी बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलो, ये जैसा कि आपने वीडियो को देखा, ये वीडियो यहाँ पे कट जा रही है क्योंकि ये वीडियो थोड़ी छोटी है दूसरे वीडियो के अनुसार। तो मैं चलो इन वीडियो को एक साइज में ला कर देता हूँ। अब देखो कि ये तीनों वीडियो चलेगी, देखो ये तीनों वीडियो चल रही है, तीनों वीडियो बन चुके हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं तीनों वीडियो बन चुकी है उसी तरीके से जो चलती है इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी हो। ये हो गई, अब मैं इसे इंपोर्ट करूँगा। तो इंपोर्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एम का भी यूज़ कर सकते हो या फिर यहाँ से जाकर, मैं यहीं से बता देता हूँ, फाइल से लेकर और यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, सॉरी इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मीडिया कर सकते हो यहाँ से। तो ये आपका आ गया, यहाँ पे देख लीजिए फाइनल रिजल्ट यहाँ से आपका हो जाएगा, H.264 सही है, ये सब सारी चीज़ें सही है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेंडर एट मैक्सिमम करता हूँ क्योंकि क्वालिटी उससे क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बिटरेट आप जितना बढ़ाओगे उतना क्वालिटी अच्छा होगा, लेकिन आपका मतलब उतना भी नहीं होगा अच्छा, ना आपके कैमरे का मतलब जितना आपके फुटेज में है कैपेसिटी उतना ही होगा। तो जहाँ तक है मैं इसे 10-11 कर देता हूँ, चलो 11 ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। और ये सब क्या इस पर टिक होना चाहिए हमेशा, यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, क्योंकि इससे क्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, इससे बनी रहती है क्वालिटी, जो वीडियो की क्वालिटी है। तो एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ से, देखिए मेरी फाइनल रिजल्ट यहाँ से एक्सपोर्ट होनी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने इस पर अभी ऑडियो नहीं डाला है क्योंकि क्या बोलते हैं ऑडियो का, अगर मैं ऑडियो डालता तो ट्यूटोरियल और थोड़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो मैं अगर आप ऑडियो के साथ देखना चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप जा सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये वीडियो आपको दिखेगी। तो मैं चलता हूँ, ये जो अभी डाटा जो डाउनलोड होकर आया है आपको दिखा देता हूँ, मतलब ये क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट होकर जो डाटा आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया माय स्टोरी मेरी वीडियो, तो ऐसे नहीं दिखेगा ऑडियो। तो आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे अभी मैं जैसे कि हाँ आ गया हूँ वीडियो पर। तो आप देखो मैंने जो इंपोर्ट किया है वीडियो, ये देखो सीक्वेंस ये वाली वीडियो है, देखो यहाँ पे जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हो बन गई है, 3 लेयर में बनी है, 1, 2, 3, और यही वाला आपको इंस्टाग्राम या कहीं पे भी ट्रेंडिंग दिखती होगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, जिनको ये एडिटिंग मतलब एडिटिंग करनी है जिनको तो शेयर कर दो। और अगर आपको पसंद आ रही है तो चलो ठीक है, नहीं पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताओ इसमें क्या गड़बड़ है, क्योंकि मैंने वॉइस को अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया है, अभी मैं माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो चलो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, और अगर आपको और भी कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ। चलो फिर, टेक केयर, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखो कोरोना काल में, बाय गाइस।